गुड मॉर्निंग दोस्तों, द एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से स्वागत है। जैसा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल क्लास चल रही थी, उसमें इससे पहले 6 को वीडियो डाल चुका हूं। आज क्लास नंबर 7 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला है, ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है, दोनों के व्यय का अनुपात 2:3 है और प्रत्येक 200 रुपये बचाता है, तो ए और बी की आय ज्ञात करें। तो देखते हैं, यहाँ आय यानी इनकम 3:4 है, ए और बी के बीच इनकम का अनुपात कितना है 3:4। एक्सपेंडिचर जो अनुपात है वो है 2:3। इनकम में से अगर खर्च घटा दी जाती है तो बचत प्राप्त होता है। यहाँ से अनुपात में देखते हैं तो इनकम 3 का है और खर्च 2 का है, तो 1 की बचत। उसी तरह इनकम इधर बी का 4 का इनकम है, 3 खर्च करता है तो 1 बचाता होगा, तो अनुपात में 1 बचाता है। जबकि क्वेश्चन में है कि 200 रुपये प्रत्येक 200 बचाता है, तो इससे 200 गुना ज़्यादा बचाता है। उसी तरह एक का इनकम 3 ना होकर अपने आप से 200 गुना ज़्यादा 600 होगा, 600 रुपये, और बी का इनकम 4 ना होके इससे 200 गुना ज़्यादा 800 रुपये इनकम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है और उनकी बचत क्रमशः 2,000 रुपये और 1,000 रुपये है, तो क्रमशः ए और बी की आय निकालें। ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है, ए और बी के इनकम का अनुपात है 3:2 और उनके व्यय का अनुपात दिए हुआ है यानी एक्सपेंडिचर अनुपात है 4:3 और उनकी बचत क्रमशः 2,000 रुपये और 1,000 रुपये है, तो क्रमशः ए और बी की आय निकालें। यहाँ देखते हैं इनकम अनुपात में है, तो अनुपात को तोड़ने के लिए किसी चर से गुना करा देंगे, तो जैसे x से गुना करा देंगे इसको तो 3x और इसको 2x, तो 3x इनकम यहाँ बचत हो रही है 2,000 रुपये की और 1,000 रुपये की। तो अगर इनकम में से बचत को घटा दिया जाए तो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च पता चल जाता है, तो 3x में से 2,000 रुपया और बटा बी का इनकम है 2x, इसमें बचत उसे हो रहा है 1,000 रुपये। जब इनकम में से बचत घटाएंगे तो जो अनुपात प्राप्त होगा वो खर्च का होगा, तो खर्च का अनुपात दिए हुआ है कि 4:3। 3x में से 2,000 रुपये घटाए क्योंकि ये बचत कर रहा है ए, और बी बचत कर रहा है 1,000 का और कम उसकी आमदनी कितना है 2x में से 1,000, तो जो खर्च का जो अनुपात आया वो 4:3, इसको 4/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हल करेंगे तो 9x 6,000 बराबर 4×8x 4,000, तो यहाँ से x बराबर हमें 2,000 प्राप्त होंगे, x का जो मान आएगा वो 2,000। तो इसीलिए ए और बी के इनकम पूछा है, तो ए का जो इनकम 3x न होके 3×2,000 गुना ज़्यादा 3×6,000 रुपये इनकम होंगे ए का, और बी का 2x न होकर 2×2,000 4,000 रुपये इनकम होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अनुपात 3:2 में कर्मचारियों की संख्या कम हो जाती है और अनुपात 4:5 में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन बढ़ जाता है, ऐसा करके कंपनी 12,000 रुपये बचाती है। तो वेतन पर प्रारंभिक व्यय निकालें।
यहाँ कर्मचारियों की संख्या का अनुपात दिया है, यूँ कह रहे हैं कि कर्मचारी की संख्या दे ले संख्या संख्या कर्मचारी की संख्या का अनुपात कर्मचारियों की संख्या का अनुपात जो है वो है 3:2। और फिर ये क्या दे ले है, उसके वेतन यानी कि सैलरी वेतन वेतन का अनुपात दे दिया है 4:5। इतना कर्मचारी की संख्या कम हो जाती है यानी 3 से 2 हो जाती है। और वेतन में वेतन पहले 4 था, अब 5। पहले 4 कमाता था, 4 रुपये मिलते थे उसको वेतन के रूप में, अब उसे 5 रुपये मिलते हैं, बढ़ जाती है, ऐसे क्वेश्चन में बोल रहा है। ऐसा करके कंपनी 12,000 रुपये बचाती है। तो वेतन पर प्रारंभिक व्यय है, तो यहाँ से कर्मचारी की संख्या को अगर हम वेतन से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 12 और 5 × 2 कर्मचारी की संख्या को वेतन से गुना कर देंगे तो ये जो नीचे अनुपात प्राप्त होगा वो कितना कंपनी खर्च कर रही है एक कर्मचारी पर वो आता है उसका अनुपात। तो यहाँ देखा जाए तो पहले 12 रुपये कंपनी खर्च करती थी, अब उसको 10 ही खर्च करना पड़ता है। तो कितना बचा रहा है यहाँ से, तो 2 की बचत हो रही है, जबकि यहाँ कहा 2 नहीं 12,000 की बचत हो रही है कर्मचारी को। तो इससे क्या गुना ज़्यादा, तो 6,000 गुना ज़्यादा। इसीलिए वेतन का प्रारंभिक वेतन पर प्रारंभिक व्यय बताना है यानी शुरू का व्यय बताना है। तो ये भी पहले 12 ना होके इसे 6,000 गुना कंपनी का पहले जो व्यय था वो 12 नहीं होके से 6,000 गुना ज़्यादा 72,000 रुपये रहे होंगे, यही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेतन के रूप में सभी पुरुषों और महिलाओं में वितरित कुल राशि का अनुपात 6:5 है। प्रत्येक पुरुष और महिला के वेतन का अनुपात 2:3 है। नर और मादा की संख्या का अनुपात बतावे। तो वेतन के रूप में सभी पुरुष और महिला यानी कि पुरुष के लिए M इंडिकेट करते हैं, महिला के लिए W इंडिकेट करते हैं, यानी कि मेल और महिला के लिए W नहीं करके F फीमेल कर देते हैं, मेल और फीमेल में वितरित कुल राशि का अनुपात जो है वो 6:5 का है। यहाँ क्या है RS, प्रत्येक पुरुष और महिला के वेतन का अनुपात 2:3 है और जो वेतन का अनुपात है सैलरी वो अनुपात 2:3 सैलरी का अनुपात RS 6:5 और सैलरी का अनुपात है 2:3 सैलरी यानी कि वेतन ये रुपए। अब क्या कहा, नर और मादा की संख्या का अनुपात बतावे। तो यहां से देखते हैं कि यदि हमें टोटल नंबर दे ले रहता था कर्मचारी की, जैसे इसे पिछला क्वेश्चन था कि कर्मचारी की संख्या दे ले था, सैलरी था तो सैलरी दिया हुआ था, दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो कुल खर्च का अनुपात आ गया। यहाँ कुल खर्च दे ले है, सैलरी दे ले है, तो संख्या जब निकालेंगे तो कुल खर्च में सैलरी से अगर भाग देते हैं तो नंबर ऑफ कर्मचारी यानी कर्मचारियों की संख्या या यहाँ बोले तो पुरुष और महिलाओं की संख्या प्राप्त होगा। तो मेल कितना हो जाएंगे, 6 में यदि हम 2 से भाग देते हैं 2 × 3 = 6 = 3 प्राप्त होगा। और फीमेल की बात कर ली जाए तो ये 5/3 नहीं कटेंगे तो उतना ही प्राप्त होंगे। तो हमें अनुपात निकालना था दोनों का, मेल और फीमेल का, ये संख्या का अनुपात जब निकालेंगे तो 3:5/3 अनुपात बट्टा के रूप में नहीं रहता है, तो यहाँ से ये गुना हो जाएंगे 3 × 9 = 5।
यही मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए और बी और सी के व्यय का अनुपात 16:12:9 है और उनकी बचत उनकी आय का 20%, 25% और 40% है। ए और बी के व्यय का अनुपात, ए बी और सी के व्यय का अनुपात जो है वह 16:12:9, उनकी बचत उनकी आय का 20% है, उनकी बचत यानी सेविंग जो है, सेविंग वो उनकी आय का 20%, तो 20% को हम 1/5 कह सकते हैं, 25% को 1/4 कहते हैं और 40% को 2/5 कह सकते हैं। वो कैसे, इसको 20% को ऐसे लिखेंगे 20/100, तो 20 × 5 = 100, 1/5। उसी तरह 25% 25/100, 25 × 4 = 100, 1/4। और 40% 40/100, 0 × 0 = 0 खत्म, 2 × 4 = 5 × 10 है 2/5। तो सेविंग जो है, बचत जो है उनकी आय का 20%, तो 20% को क्या लिखेंगे 1/5, 25% को क्या लिखेंगे 1/4 और 40% को लिखेंगे 2/5। सेविंग का अनुपात इस तरह से है। तो यहाँ से देखा जाए तो अगर नीचे वाले वैल्यू को एक्चुअल मान ली जाए तो 5 उसका इनकम अगर है, उसमें 1 की बचत होती है तो खर्च 4 होगा। उसी तरह 4 इनकम है, अगर उसमें से 1 रुपया बचाया जाए तो 3 उसका खर्च हो जाएगा। अगर 5 रुपये को कमाता है सी, उसमें 2 की बचत करता है तो खर्च कितना करता है, तो यहाँ पे खर्च 3 की हो जाएगी। देखते हैं तो ये जो एक्सपेंडिचर हुआ ये 4 कैसे 4 गुना ज़्यादा दिख रहा है, और यहाँ भी 4 गुना ज़्यादा है, यहाँ इससे 3 गुना ज़्यादा है खर्च सी का। ए का जो खर्च देखा जाए इससे 4 गुना ज़्यादा, 4 × 16 = 16, इससे 4 गुना ज़्यादा, 4 × 3 = 12, और इससे 3 गुना ज़्यादा, 3 × 3 = 9। यदि उनकी आय का योग 1530 है, आय का योग कहता है 1530, तो यहाँ एक्सपेंडिचर 4 गुना ज़्यादा, तो ये भी 5 ना होकर ये अपने आप से 4 गुना ज़्यादा, उसकी इनकम भी 4 गुना ज़्यादा, 5 × 20 = 20, ये भी 4 गुना ज़्यादा, 4 × 16 = 16, यहाँ 3 गुना ज़्यादा है ना, तो यहाँ भी 3 गुना ज़्यादा, 5 × 3 = 15 होंगे। यहाँ देखते हैं तो कुल इनकम का योग कितना आता है, तो 50 × 10 = 45, 45 × 10 = 45, 5 × 50 = 51, कुल 51 आते हैं, जबकि कुल 51 नहीं है, 1530 है, जो इससे कितना गुना ज़्यादा, इससे 30 गुना ज़्यादा। तो उसी तरह हमें बी का वेतन पूछा, बी का वेतन बतावे, तो बी का 16 ना होकर इससे 30 गुना ज़्यादा, 480 रुपये होंगे। बी का जो इनकम होगा वो 16 ना होकर 30 गुना ज़्यादा, 480। नंबर 6 देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4:5 है, प्रत्येक संख्या में से 25 घटाते हैं तो अनुपात 3:4 हो जाती है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दो संख्या है, मान लेते हैं पहला संख्या और दूसरा संख्या, इसका अनुपात है 4:5, प्रत्येक संख्या में से 25 घटाते हैं तो जो अनुपात मिलता है वो 3:4 मिलता है। यहाँ देखा जाए तो कितना घट रहा है, 1, यहाँ देखा जाए इधर भी 1 घट रहा है, लेकिन 1 नहीं घट रहा है, क्वेश्चन कहते हैं 25 घटाते हैं, इससे 25 गुना ज़्यादा घट रहा है, तो हमें दूसरी संख्या पूछा, तो दूसरी संख्या 5 ना होकर ये भी 25 गुना ज़्यादा, 125, जिस 5 × 125 = 100, 125 होंगे। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।